ये हो गया इसका मैम गन। क्या हो इसको पता नहीं, चलो आज आप चलते हैं अपन की गन। ये तो बड़े बदतमीज लड़के हैं। मैडम मैडम क्या हुआ आपको? मैडम यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा आसपास, लगता है मैंने कुछ करना पड़ेगा। एम्बुलेंस के पास फोन करो। हेलो सर, यहाँ पे तालाब के पास में एक लड़की बेहोश हो गई है, जल्दी आना आप। अरे भाई देख वहाँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? देख वो लड़की चोरी करी, उसके पैसे निकाल के देख। यही मदद कर रहा है और इसी की चोरी कर रही है ये। हाँ भाई भलाई का जमाना ही नहीं, देख। हाँ सर। यार ये तो गलत काम हो रहा है, चलो इसकी मदद करते हैं। चलो चलो चल चले। मैडम मैडम खड़े हो आप, क्या हो गया था आपको? वो चक्कर आ गया था। अभी ठीक हो ना? हाँ ठीक। कुछ लोगे आप पानी वाना? नहीं नहीं मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं नहीं अब ठीक हूँ मैं, मेरे को घर जाना चाहिए। मैं छोड़ आता हूँ आपको। नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, थैंक यू। आपके साथ को और कोई नहीं है? नहीं है। तो फिर आप अकेले यहाँ क्या करने आए हो? हाँ बस काम आई थी मैं, और फिर एकदम से चक्कर आ गया। अच्छा चलो मैं आपको छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी। तो मैम वाह मैडम वाह, क्या बात है मैडम, बहुत अच्छा बिजनेस ढूंढा आपने पैसा कमाने का। क्या बकवास कर रहे तुम, एक तो तुमने इसकी हेल्प नहीं की और अब बकवास कर रहे हो। भाई साहब आप नहीं जानते ये कितनी चलाक है। क्या कह रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आया। भाई साहब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। भाई साहब यही दोनों थे जो मेरा इतनी देर से पीछा कर रहे थे और फिर मेरे को चक्कर आ गया। तुम दोनों यहाँ से निकलो। क्या बात कर रही हो मैडम, हम तुम्हारा पीछा कब कर रहे थे? झूठ मत बोलो। हम कब आए पीछे? ज्यादा मत बोलो, निकलो यहाँ से। तुम्हें पता है ये क्या कर रहे थे? क्या चोरी करी इसने? क्या बकवास कर रहे हो, पीछे हटो। एक तो लड़की को छेड़ते हो और ऊपर से बकवास कर रहे हो। फिर लड़की को कौन छेड़ रहा है? तुम छेड़ रहे हो दोनों। ये खुद लॉस में जा रहे हो, ये बता रही है ना, आप खुद लॉस में जा रहे हो। अरे भाई साहब हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं और आप हमें डांट रहे हो। अरे भाई साहब पीछे हटो और अपना पर्स चेक करो पहले। तुम दोनों यहाँ से निकलो। क्या बोल रहा हूँ मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूँ यार। अरे भाई साहब पहले तो आप पीछे होके बात करो और अपना पर्स चेक करो पहले अपनी जेब में। मेरा वो लड़की भागी, वो लड़की लेगी पर्स। चल चले भाग। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे आप? हाथ छोड़ मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को हम फोन करेंगे? क्यों, चोरी आपने की है मैडम। कौन सी चोरी की? आप भाग क्यों रहे थे? आपका पर्स लेके भागी ये। पर्स देखो इनके पास है। क्या बात कर रहे हैं, पर्स तलाशी लो इनकी। पर्स देखो। मैंने नहीं किया तुम्हारा कोई पर्स चोरी, झूठ बोल रही है। तो चेक करो ने दो। क्या हाथ हाथ मत लगाओ मेरे को। हमने देखा है वहां से आप चोरी कर रहे थे। बदतमीजी कर रही हो। हाथ छोड़ मेरा। हाथ नहीं छोड़ता भाई साहब, इन लड़कियों का रोज का काम हो रखा है ये, हर रोज लड़कों को फंसाती है। अभी ऐसे नहीं मानेंगे, आप पुलिस को फोन करो पहले। आप इसको छोड़ना मत, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। निकालो पर्स। हाथ छोड़ो, निकालो। देख लिया भैया, पुलिस को बुलाओ। पुलिस में देंगे इसको। एक बार आप मेरा हाथ छोड़िए, मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो मेरे पापा ना बीमार है और कोई शौक नहीं है मेरे को चोरी करने का। मैं तो कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो पैसे आप हमसे मांग सकते थे, ठीक है, चोरी करना गलत होता है। ऐसे पैसे कोई नहीं देता साहब। तो आप काम भी कर सकते हो कुछ? काम करने चाहती हूँ तो सब मेरे को देख के पैसे नहीं, बस मैं क्या बताऊं। ठीक है ठीक है। लो ले जाओ आप। पर मैं कोई नहीं, रख लो।
मैडम आप इस चोरी जैसे काम को बढ़ावा न दे के किसी से हेल्प मांगती तो भी आपकी मदद हो सकती थी। अगर आपके पिताजी को पता चला कि आप ऐसे चोरी कर रहे हो तो जीते जी नहीं मर जाएंगे। सॉरी भाई साहब, आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। रुको, ये लो। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे समझा लो 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 लो, आप अपने पापा का इलाज करवा रहे हो और आगे से कभी चोरी मत करना। हाँ। ठीक है, कोई नहीं, चलो चलो। वाह, आज तो मैं पार्टी करूंगी। देखा, आज भी इंसानियत जिंदा है। वैसे एक बात है गुंजन, होशियार बहुत है तू। देखा कैसे उल्लू बनाया उनका मैंने। वैसे भी किसी ने सही कहा है, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कितने स्मार्ट बने हुए थे तीनों अपने आप में, कैसे पैसे भी निकाल लिए और पुलिस से भी बच गई। अब तो घर जाके पार्टी करूंगी। देखा चोरों में इतना दिमाग तो होना चाहिए, और वैसे भी इंसानियत है पर इतनी भी नहीं है।